ओम शांति। मुरली का तारीख है 4/1/2020। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप करते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न, चार्ट ठीक है वा नहीं? इसकी परख किन चार बातों से की जाती है? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट आसामी, सेकंड पॉइंट चलन, थर्ड पॉइंट सर्विस और चौथी पॉइंट खुशी, बाप दादा। इन चारों बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, उनकी चलन रायल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार ठीक होगा। गीत, मुकड़ा देख ले प्राणी, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है, अर्थात आत्मा को सतो प्रदान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, या समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा, या तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे, अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है, तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्यात्मा बने हैं, या तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी, याद करते करते आदत पड़ जाएगी, तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप्पा मारने की बात नहीं, या तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिखकर देंगे तो बाबा जट बताएंगे कि या चार्ट ठीक है वा नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा जट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। गड़ी गड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे, गड़ी गड़ी बाबा का परिचय देना पड़ता है। समझो किसी को तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष है, कहते हैं या कैसे हो सकता है, फट से कहना चाहिए, या कोई हम थोड़े ही बताते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान वाच तो जरूर सत्य ही होगा ना, इसीलिए बाप समझाते हैं। गड़ी गड़ी बोलो या शुबाबा की श्रीमत है, हम नहीं कहते श्रीमत उनकी है, वहाँ है ही ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है, इसीलिए बाप ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवान वाच, वहाँ तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़े ही जानते थे, बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो बेहद के है ना, तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है, पहले यहाँ बात समझा कर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शुबाबा ने यहाँ कहा है यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि, शुबाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है, शुबाबा को भी याद करते रहेंगे। बाप ने तो तुमको समझाया है,
बाप ने जो कुछ तुमको समझाया है वहां तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना, तो समझना चाहिए इनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप कहते हैं या तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं, स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो यह नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े, कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाए, बाबा भी देखेंगे बरोबर या सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है, तब कहेंगे बल 500-1000 कमाने से तो या सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त है तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते हैं, स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यहाँ भी पढ़ाई है, यहाँ कोई कामन मत नहीं है। सत माना ही सच बोलने वाला हम श्रीमत पर आपको यहाँ समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो, कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना, या किसी को पता नहीं है कि 5000 वर्ष का या सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही गौर अंधियारे में है, तुम अभी गौर सोचरे में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे, या तो गायन है बम्बोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे, नहीं यहाँ भी ड्रामा अनादि बना हुआ है, सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यहाँ भी ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रांडियां मारते हैं हे भगवान, परंतु भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान को तो तुमने बुलाया है, आकर विनाश करो। पति दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूं, या तो ड्रामा में नूंद है, कूने नाहे केल हो जाता है, इसमें बचने आदि की बात तो नहीं है, इसमें बचाने की बात नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ तो जरूर पतित आत्माएं जाएगी ना, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते है। भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते तुम तो पत्थर बुद्धि हो, सत्युग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो ना सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हाथ निकाल दूसरी डाल देते हैं, अच्छा इतनी मेहनत कर यहाँ किया परंतु इससे फायदा क्या, करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसलिए करते हैं, हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ,
हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। सत्युग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो या तो बाकी तोड़े रोज जिएंगे। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाए खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते। पापात्मा तो बनते हैं ना, कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सत्युग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पापात्माएं नहीं थे। यहाँ पापात्माएं हैं, इसीलिए दुखी है। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ या मरा, मौत तो मुंह खोल कर कड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं, यहाँ है ही कागविष्ठा समान सुख। वहां तो तुमको अतः सुख है, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना गर्मी ना ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। तत्व भी आर्डर में रहते हैं, स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा, तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो सारी सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुप्त हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया। सत्युग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल ना सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे। यहाँ भी आते हैं, कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे। वहां भी रांग हो गया, अच्छी रीति समझकर बोले वोरली तो बहुत अच्छा। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा रुद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना, सब चीज बढ़ती रहती है। जाड़ सारा जड़जड़ीभूत हो गया है, जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे। नंबर वार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं, कोई सौ से एक मार्क्स भी उठाने वाले है। तोड़ा भी सुन लिया, एक मार्क्स मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। यहाँ है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वहाँ निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्तिधाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे, बल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सत्युग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। यहाँ समझने की बातें हैं, बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए, प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, उनको श्रीमत मिली जिससे यहाँ बने, फिर यहाँ तोड़े ही कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते, फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं,
यहाँ तो पंचायत राज है ना, एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुमने कितना दुख उठाया है, इनका नाम ही है दुखदान। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यहाँ भी ड्रामा है। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी कोल दी है, मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सत्युग में तोड़े ही कोई रहम दिल कह बुलाएंगे, यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति दाम सुख दाम ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे, जो नंबर वन तमो प्रदान वही फिर नंबर वन सतो प्रदान बनते हैं। यहाँ अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़ाई तो एक की ही है, लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना। ऊंचते ऊंच भगवान वहां बनाते भी ऊंच है, बाबा जानते हैं। सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने, कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में, चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कतंती फारकती देवंती, फिर वापिस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं, सरेंडर होते ही है गरीब देह सहित, और कोई भी याद ना रहे, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वहाँ याद जरूर पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ है, दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं यहाँ पति दुनिया के हैं। फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाबा युक्ति बास तो है ना, नहीं तो यहाँ टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ ना सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। यहाँ केल में मेरा पार्ट है, इस केल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रदान कितनी बनी है, याद में रहकर सब हिसाब किताब चुक्त करने हैं। सेकेंड पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी दो घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। दो घड़ी की मीठी दृष्टि वहां बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देगी। आपके दो मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसीलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा
मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो, इसीलिए मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल ना निकले। हर बोल युक्ति युक्त हो, व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव वाला ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।